नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है कि मन को खाली कैसे कर सकते हैं। खाली अपने मन को क्या कैसे कर सकते हैं, अपने मन को शांत करना सीखे। क्या आप अपने मन को शांत करना जानते हैं? इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ दोस्तों। अगर हमारा मन खाली हो जाए तो हम इसमें कई ऐसे चीज डाल सकते हैं, कुछ ऐसे विचार डाल सकते हैं जिससे हम अपने मन को बकबक की चीजों से शांत कर सकते हैं। जो विचार का सहलाब हमारे मन में चलता रहता है उससे हम अच्छी तरह रोक सकते हैं। और दोस्तों, अगर एक बार मन की बकबक रुक जाए तो फिर हम मन से जो चाहे वह करवा सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने मन की बकबक को शांत करना चाहते हो तो इस कहानी को आखिरी तक जरूर सुनिएगा दोस्तों। एक नगर की बात है, उस नगर में एक नौजवान युवक रहता था, उसका नाम श्वेत केतु था। उसके पास एक समस्या थी, वह एक समस्या से बहुत दिन से जूझ रहा था। उसका मन हर समय भटकते रहता था, उसके मन में हर समय कोई न कोई नकारात्मक विचार आते ही रहते थे। उसके मन में बकबक कभी शांत नहीं होते थे। वह जब भी कुछ करना चाहते थे तो कुछ अलग नहीं कर पाते थे। तभी वह अपने अतीत के बारे में सोचने लग जाते थे कि काश मैं उस काम को उस समय कर लिया होता, उस काम को वैसा कर दिया होता, या फिर वह अपने भविष्य में सोचते रह ही जाते हैं और डरते रहते हैं कि कहीं भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मेरा लोग मजाक उड़ाएंगे। ऐसी ही कई नकारात्मक और असफलता से भरे विचार उनके मन में आते रहते थे। श्वेत केतु ही हमेशा खोया रहता था, वह अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। श्वेत केतु चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू के विचार कभी ना आए, लेकिन हर समय विचार अपने मन में आते ही रहते थे और इसीलिए जीवन में वह बहुत परेशान था। इस पर फिर एक दिन उसने किसी से बताया और बोला, यहाँ पास के ही जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उसके पास जाओ, वह तुम्हारी मानसिक समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। यह सुनकर श्वेत केतु तुरंत ही बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बता देते हैं। बौद्ध भिक्षु भी श्वेत केतु के बातों को सुनकर बड़े ध्यान से सुन लेते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। यह सुनकर श्वेत केतु कहता है, गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत और खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरे मन को खाली और शांत कैसे कर सकते हैं, और मेरा मन में हमेशा कई न कई विचारों से भरा रहता है और मेरा ध्यान एक जगह पर नहीं लग पाती है, जिसके कारण मेरी हर काम में समस्या आ जाती है और एक चीज हमेशा मैं नकारात्मक विचारों से जूझता रहता हूँ। मेरा मन एक जगह ठहर नहीं पाता है और यूं ही हर दिन मन में हजारों विचार चलते रहते हैं, और यह कब तक होता है, क्यों होता है मुझे, यह क्यों होता है गुरुदेव, मुझे कुछ पता नहीं चलता है। कुछ देर बाद मुझसे एहसास होता है कि मैं क्या कर बैठा, मैं क्या कर रहा हूँ। गुरुदेव, मैं अपने मन के विचार को विचारों से खाली करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक विचार आए, जब मैं चाहूँ तब मेरे मन में विचार आए। तो फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि समस्या का समाधान तभी निकाला जा सकता है जब हम समस्या की जड़ तक पहुँचने का प्रयास करें, उसे समझे, आखिर समस्या है क्या, समस्या को ठीक से समझ लेते हैं और जानते हैं। आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने अपने मन को कभी भी थोड़ा बहुत समझ है, जाना है उसके बारे में। यह सुनकर श्वेत केतु ने कहा, महाराज, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं जितना इसके बारे में सोचता हूँ, जानता हूँ, मेरे मन में उतना ही मेरा मन रहस्यमयी हो जाता है, फिर बहुत मेरा मन उदास होने लग जाता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को एक घड़ा देते हुए कहा कि जाओ, इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भर कर लाओ। फिर वह युवक वहाँ से चला गया और छोटे छोटे पत्थर भर कर लेकर आया और घड़े को बौद्ध भिक्षु के पास रख दिया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में पत्थर रखे हुए को अपना विचार समझो। अब इस घड़े में जो पत्थर है एक और डालो। उस युवक ने उसे घड़े में पत्थर डालना शुरू किया और एक के बाद दूसरा पत्थर नहीं उसमें अटक रहा था, सभी नीचे गिर रहा था। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, रुको जरा, ध्यान से देखो, अब पत्थर में
जान सी आ गई है। अब घड़ा को देखो, इसमें पत्थर नहीं आ रहे हैं बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि एक घड़ा है जो इसमें आ सकता है और इसमें आ गया। अब इसमें कोई पत्थर नहीं आएगा। अगर तुम इससे पत्थर डालना चाहते हो तो पहले पत्थर को निकालना होगा। यह सुनकर उस युवक ने कहा, गुरुदेव मैं आपकी बात तो समझ गया हूँ कि मैं आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। हमें अपने मन को विचार को ही खाली कर देना चाहिए। श्वेत केतु की यह बात सुनकर भिक्षु बहुत मुस्कुराने लगे और वह अपनी पहली मेरी बात को सुनो फिर अपने मन को खाली कर लेना। फिर बहुत भिक्षु ने उस युवक से कहा कि हमारा मन एक घरे के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि घरा एक को तुम पत्थर से भर सकते हो लेकिन मन को विचार से नहीं भर सकते हैं, क्योंकि मन में हमेशा खाली रहता है। और यह सुनकर युवक ने कहा, हे गुरुदेव मुझे आपकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही है। मन अगर खाली रहता है कि फिर हम उसे खाली करना क्यों चाहते हैं? फिर मन को खाली करने की क्या आवश्यकता है? फिर बौद्ध भिक्षु ने उसे कहा, इस घरे में एक एक करके पत्थर को बाहर निकालो। श्वेत केतु ने वैसा ही किया। वह घरे में से पत्थर को एक एक करके पूरे पत्थर को बाहर निकालते रहा और ऐसा करते करते अंत तक घरे खाली हो गया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, देखा तुमने, जब एक एक करके तुमने पत्थर को बाहर निकाला तो यह घरा खाली सा हो गया। अब तुम इसमें कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे पत्थर डाल सकते हो या फिर उन्हीं पत्थर को डाल सकते हो या फिर आप पूरा भर सकते हो। फिर श्वेत केतु कहता है, गुरुदेव मैं तो यह कर लूंगा, मुझे अपने मन को खाली करना है। यह एक पत्थर है, हमारी आसानी से निकाला जा सकता है और घरे को खाली किया जा सकता है, लेकिन गुरुदेव मैं अपने मन को खाली कैसे करूं? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस घरे में एक पत्थर डालो और जो पत्थर निकालो। यह सुनकर उस युवक ने कहा, गुरुदेव यह कैसे हो सकता है? जब इस बारे में एक पत्थर डालो और दो पत्थर निकालो तो ऐसा कैसे होगा, कैसे निकल पाएगा गुरुदेव? फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, तो ऐसा ही करो कि जब इसके बारे में पत्थर डालो और चार निकालो। श्वेत केतु ने कहा, महाराज ऐसा कैसे हो सकता है, यह कोई चमत्कारी घरे तो है नहीं, यह एक मामूली सा घरा है और दो डालो और चार कैसे निकल पाएगा? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, यह घरे तो चमत्कारी नहीं है लेकिन तुम्हारा मन तो चमत्कारी है ना, उसमें से अगर एक तुम बाहर निकालोगे तो तुम्हारे साथ दो विचार बाहर निकलेंगे और जब तुम जो विचार निकालोगे तो तुम्हारे साथ चार विचार बाहर निकलेंगे और फिर ऐसा करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाएगी और तुम फिर कहीं भी नहीं रुक सकोगे। एक के बाद एक विचार को पकड़ते जाते हो या मिट्टी पर गए घरे के पत्थर में भरे जाते हो, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरता है, वह हमेशा खाली रहता है। लेकिन वह खाली नहीं रहता है या इस मन की माया है या कुछ है नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। फिर भी उस युवक ने कहा, गुरुदेव आपकी बात तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचार को जाल में फंसे रहूंगा? क्या मन के इस माया जाल से निकलना मुश्किल है, कोई रास्ता नहीं है? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, मिट्टी के घरे में आधे पत्थर भर दो। फिर उस युवक ने ऐसा ही किया। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि नवीन पत्थरों से एक पत्थर चुनो और एक पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो, मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। श्वेत केतु ने एक पत्थर निकाला और उस पत्थर को बौद्ध भिक्षु के सामने ही तराशने लगा। पत्थर को तराशने वक्त उसे लगा कि यह पत्थर अच्छा नहीं है। फिर उसने दूसरा पत्थर घरे से निकाला लेकिन वह पत्थर उनको पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला लेकिन वह तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया, उसका रंग अच्छा नहीं था। ऐसा कहते हुए उस युवक ने सारी पत्थर को बाहर निकाल दिया। उस युवक ने ऐसा करते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा, ध्यान से देखो रहे थे, फिर मैं एक बच्चों से उसे कहा कि तुम जो अच्छे सबसे निकाल रहे हो ना पत्थर, इसमें कोई समझदार नहीं है, इसके बाद तुम्हारे पास कोई
ऑप्शन नहीं है, पत्थर नहीं है और एक ही पत्थर तुम्हारे पास है। फिर उस युवक ने ऐसा गुरुदेव से कहा, उसी एक पत्थर को तराशना शुरू किया और उसे पत्थर से ही बहुत बड़ा सुंदर मूर्ति बना दिया और बौद्ध भिक्षु को भेंट किया और बौद्ध भिक्षु ने कहा, गुरुदेव इस उत्तर से यह होता है कि जब हम उस विकल्प से ही संपूर्ण ऊर्जा लगा देते हैं और उसी से ही बेहतर रिजल्ट पाने की कोशिश करते हैं और जब हमारे पास सारे विकल्प होते हैं तो हम इधर उधर के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो हम इस पत्थर को चुनना पसंद किए और मूर्ति बना दिए। यह हमारा मन एक विचार के तरह काम करता है, इसमें हजारों विकल्प के रूप में दिखाई देता है और मुख्य विचार छोड़कर उन विचारों के फालतू के विचारों में उलझ जाते हैं। फिर उस युवक ने कहा, गुरुदेव मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, लेकिन मैं अब मुझे क्या करना चाहिए, कृपया आप मेरी मार्गदर्शन करें। बहुत भिक्षु ने उससे कहा कि मन को खाली करना साफ साफ यह कुछ दिन का काम नहीं है, यह बहुत ही लंबी प्रक्रिया है, इसके लिए तैयार होना पड़ेगा आपको कि क्यों होगा आपका मन खाली। उसे कहा कि नकारात्मक विचारों से दूर रहने के तरीके उसने एक एक करके समझाते हुए पहला तरीका बताता है कि ऐसे लोगों के साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर पिछड़ा हुआ मानते हैं, महसूस करते हैं। हमारे पास ऐसा लोग होते हैं जो ऊपर की ओर ऐसी पद और धन के घमंड में वह नीचे वाले लोगों को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों के पास रहना ही नहीं चाहिए और ऐसे लोग अपने से छोटे लोगों को हमेशा यह महसूस कराते हैं कि आप कितने भी छोटे लोग हैं और इसीलिए वह छोटे लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा कई बार हमारे मित्र और हमारे घर परिवार के सदस्य भी ऐसा कहते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस कराते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं और ऐसे लोगों में जितना हो सके दूर हो जाओ दोस्तों। यह लोग ऐसे होते हैं कि तुम्हारे नजरों के सामने तुम्हारी करीमा को दूर करके तुम्हारे अच्छे अच्छे हीन बताते हैं और तुम्हारे खुद को काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाता है, तुम्हारे अंदर खुद के प्रति नकारात्मक भावनाएं आ जाती है और यह नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक विचार और तुम्हें मानसिक तनाव की ओर ले जाता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों से अपना मित्र बनाओ, ऐसे लोगों को अपना मित्र बनाओ जो तुमसे 2 साल बड़े हो, 3 साल बड़े हो, जो तुम्हें कुछ सिखा सके उसके आप दोस्ती कर लो ताकि आपको बहुत कुछ सिखा सके और अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सके। दोस्तों कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत, हमारे जीवन में हमारे चरित्र हमारे माँ बाप के अलावा हमारे मित्रों का ही सबसे बड़ा योगदान होता है, इसीलिए मित्रों का सही चुनाव करना चाहिए बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि तुम 5 लोगों से प्रतिबिंबित करो और जिसके साथ तुम ज्यादा वक्त बिताते हो वह तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिसके साथ तुम ज्यादा वक्त बिताते हो वह ईमानदार हो सकता है, तो आप भी धीरे धीरे ईमानदार बनना शुरू हो जाओगे। और अगर वह 5 लोग अमीर है तो तुम भी धीरे धीरे अमीर बनना स्टार्ट कर दोगे। अर्थात यही है कि तुम जैसा लोगों के साथ रहोगे वैसे ही आपका रंगत होगा ना दोस्तों। आपका समय बिताते ही महान दार्शनिक हो जाता है कि तुम तुझे इंसान से मित्रों के अलावा दोस्त के मित्र को देखकर उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। मतलब एक साधु ने कहा कि मैं किसी भी इंसान के उसके दोस्त को बताकर देखकर उसके बारे में चरित्र उसका क्या है मैं आपको बता दूंगा। कि हम ना बोल पाते हैं जिस लोगों के साथ हमारा रहना पसंद न होता है, चाहे कितने भी उन्हें लोगों को नकारात्मक लोगों के साथ वक्त बिताना पड़ता है, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी में अपने आप की जिंदगी में सुधारना होगा, जिसके साथ रहकर भी हमें लगता है कि हमारी जिंदगी खराब हो रहे हैं और हमारी जिंदगी में ना बोलना आना चाहिए दोस्तों, शायद बहुत ज्यादा खुश रहोगे। बहुत भिक्षु ने आगे कहते हुए कहा, तीसरा तरीका यह है कि तुम कभी भी किसी भी चीज के अतीत के बारे में मत सोचो, लेकिन तुम अपना भविष्य अवश्य बदल सकते हो, इसीलिए तो पूरी तरह से वर्तमान में फोकस करो, उन चीजों पर काम करो जो आप एक्चुअल में आपके पास है, आपके नियंत्रण में, आपके कंट्रोल में है, तुम आज कर सकते हो।
सकते हो और अभी कर सकते हो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, केवल वर्तमान में रहकर भविष्य को मारा जा सकता है, अतीत में रहकर नहीं। इसीलिए वर्तमान में रहने की आदत डालो। चौथा तरीका है कि तुम स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। दोस्तों, कहा जाता है कि आप जैसा खाओगे वैसा ही होगा आपका मन। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और ऊर्जा हमारे खाने से मिलते हैं। हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन स्वस्थ कैसे रहेगा? जब शरीर स्वस्थ कमजोर और हमारा मन बीमार रहेगा तो हमारे शरीर में बहुत सारे नकारात्मक विचार आते हैं और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसीलिए शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना चाहिए, जिम्मेदारी ही बहुत। भिक्षु आगे कहते हैं, पांचवा तरीका यह है कि रोज ध्यान करो। ध्यान करने से आपका उपयुक्त समय बहुत अच्छा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि मॉर्निंग का ध्यान बहुत ही अच्छा होता है और रात के सोने से पहले का ध्यान बहुत बेटर होता है, मोर देन मॉर्निंग योगा। गहरी से ध्यान करनी होगी तो सुबह अपनी सांसों पर कंट्रोल करना शुरू कीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। अपने मन में उठने वाले विचारों पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने मन में उठने वाले ध्यान रोज खुद के साथ अपने आप में वक्त बिताओ। दोस्तों, खुद के व्यवहार को समझो, देखने की कोशिश करो कि तुम्हारे मन में किस तरह का विचार उठ रहा है और क्यों उठ रहा है। बौद्ध भिक्षु आगे बताते हुए कहते हैं कि यह तरीका, तुम नए नए जगह पर घूमने की कोशिश कीजिए। तुम पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा किताबों के बराबर आपको ज्ञान देती है, और खुद को अपने जीवन काल में 9 महीने लगातार घूमे थे। आपने सुना होगा दोस्तों, स्वामी विवेकानंद वह अपने जीवन काल में 9 महीने लगातार घूमे थे। उनके भ्रमण का यही कारण था कि वह नए नए जगह पर जाने की प्रयास कीजिए और ज्ञान को प्राप्ति के साथ साथ उनके मन में नए नए ज्ञान की प्राप्ति होती थी। घूमने के जाने के क्रम में वह अपने साथ एक बुक रहा का करता था कि वह जब भी बैठते थे तो अपना बुक पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि बुक पढ़ने से भी आपका ज्ञान बढ़ता है। दोस्तों, जीवन में ध्यान रखना सीखना और ध्यान को केंद्रित करो, अपने ध्यान को एकाग्र लाओ और अपने जीवन में जो करना चाहते हो पूरी मेहनत के साथ करो। अंतिम संस्कार तक आप उस काम को ऐसे कीजिए कि आप उसके बाद कोई काम नहीं बचा है आपको, और फिर तुम्हारा विचार उस कार्य में अच्छे से लग जाएगा और उस काम को आप आसानी से कर पाओगे। दोस्तों याद रखना कि सोनू आपसे हमेशा यही कहता है कि आप जिंदगी में कुछ कर जाओ ऐसा कि लोग आपको जमीन पे बैठने पर बर्फपन कहे, औकात नहीं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके एक शेयर से दूसरे की लाइफ बदल जाए। अगर हमारे चैनल पे नए थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। Yeah.